प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, राजपत्र में संशोधन करने की मांग। खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी में आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि शिवपुरी में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी राजपत्र में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और इसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव छात्र के शिक्षा पर पड़ेगा। जारी राजपत्र जो कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों को निशुल्क शिक्षा अधिनियम बना दिया गया है। इस राज्य पत्र को जारी करने के पूर्व में किसी भी संचालकों से ना तो सलाह ली गई है और ना ही आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई प्रचार प्रसार किया गया है। मनमाने तरीके से विद्यालय पर नियम थोपे जा रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि विद्यालय संचालन हेतु कक्षा 1 से 8 तक रजिस्टर्ड कराए नामक की जगह नोटराइज राजनामा या अतः रजिस्टर्ड कराना में समाप्त किया जाए। सर क्या नाम है आपका? शशि भूषण गौर। जो ज्ञापन दिया है किस विषय में ज्ञापन दिया? ये जो फीस लगाई गई है हमारे ऊपर, अभी चूंकि राइट टू एजुकेशन में जब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है तो फिर हमारे ऊपर शुल्क क्यों लगाई गई है? इसको पहले हटा दिया गया था, पुनः दोबारा से उन्होंने शुल्क लगा दी गई है, उसके संदर्भ में दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। और क्या क्या आप लोगों की मांग आप लोगों ने इसके अलावा और रखी है? इसके अलावा ये है, एक क्रीड़ा शुल्क जो उन्होंने शिशु मंदिर से हटा दी गई है, विद्यापीठ वगैरह से, और हम लोगों पे लगाई गई है अन्य स्कूलों पे, तो उसके संदर्भ में भी है कि जब शिशु मंदिर भी प्राइवेट स्कूल है और हम भी प्राइवेट वही शिक्षा का दे रहे हैं बच्चों को, तो फिर हमारे ऊपर क्यों लगाई गई है? यदि हटाया जा रहा है तो सभी पे से हटाया जाए।